गूगल, ये कितना बड़ा है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, शायद आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। हम में से सभी लोग यहाँ पर सिंपली गूगल का इस्तेमाल सिर्फ सर्च करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको पता है कि गूगल में कई सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो शायद आपके बड़े काम आ सकता है और आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ गूगल से रिलेटेड, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नंबर वन, अगर मैं आपको रैंडमली कोई भी एक नंबर देता हूँ यहाँ पर 9876540769 87 और मैं आपसे बोलूँ कि इसे प्रोनाउंस करके दिखाओ कि ये करोड़ है, लाख है या अरब है, कितना नंबर है, तो शायद आप सब लोग थोड़े देर के लिए कन्फ्यूज हो गए यार, अरे इतना बड़ा नंबर है, और आप यहाँ पर काउंट करने लग जाओगे यार इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार या फिर बोलोगे आप 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 ऐसे काउंट करने लग जाओगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गूगल आपके लिए ये चीज़ चुटकियों में कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो भी नंबर है यहाँ पर सिंपली उसे टाइप कर दीजिए। यहाँ पर जैसे कि आप रैंडमली मैं कोई भी नंबर टाइप करता था यहाँ पर 98765 तो कुछ भी नंबर टाइप करता, उसके बाद इक्वल टू लिख के यहाँ पर आप इंग्लिश टाइप कर दोगे तो यहाँ पर गूगल आपको वो इंग्लिश में लिख के बता देगा कि वो जो वैल्यू आपने टाइप की, वो जो नंबर है, उसे आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट, अगर आप दोस्तों मूवीज़ देखने के शौकीन हो, ऑनलाइन मूवीज सर्च करते हो, इंटरनेट से मूवीज़ डाउनलोड करते हो, हमेशा नए नए मूवीज़ के बारे में सर्च करते रहते हो और नए मूवीज़ देखना पसंद करते हो, तो आप बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट में गए होंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे स्पैम लिंक देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको एक्चुअल में मूवीज़ देखना तो नहीं मिलता, ना ही डाउनलोड करने के लिए मिलता है, बस आपको वेबसाइट के थ्रू घुमाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सिंगल क्लिक में यहाँ पर गूगल ट्रिक की मदद से आप डायरेक्टली कोई भी नई या फिर पुरानी मूवीज़ को यूँ फ्री में ईजिली चुटकियों में देख सकते हो, तो शायद आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पॉसिबल है। यहाँ पर इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके मूवी का यहाँ पर नाम डालना है, उसके बाद आपको आगे लिख देना है गूगल ड्राइव और सर्च कर देना है। तो यहाँ पर गूगल ड्राइव में जितने भी मूवीज़ होंगे उससे रिलेटेड अगर किसी ने अपलोड कर रखा है वहाँ पर, अगर आप वो मूवीज़ है तो यहाँ पर आप उस मूवी को ऑनलाइन देख सकते हो अपने स्मार्टफोन से, अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप से, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर यूज़र के लिए, कंप्यूटर गीक के लिए, जो भी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। आपने अभी तक दोस्तों यहाँ पर आपने विंडोज़ 7, विंडो XP या फिर विंडो 8 या फिर विंडो 10 को यूज किया है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक बहुत ही पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यहां पर यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिसका नाम है दोस्तों विंडोज 93। शायद आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, किसी ने यूज नहीं किया और आजकल आपको शायद ही यूज करने के लिए मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप इजीली यूज कर सकते हो। जी हां, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाना और यहां पर आपको टाइप करना है विंडोज 93, जो सबसे पहला दोस्तों लिंक आएगा यहां पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना, उसके बाद यहां पर आपको विंडोज 93 का जो इंटरफेस है, यूआई है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहां पर आप इसे सिंपल से एक कंप्यूटर की तरह एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप एक विंडोज 93 का एक्सपीरियंस ले सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक, अभी तक दोस्तों यहां पर गूगल को आपने सिंपल और सीधे स्टाइल में यहां पर सर्च किया होगा, आप जो कुछ भी यहां पर सर्च करते हो, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, यहां पर सारी चीजें आपको सीधे सीधे दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप गूगल को उल्टा करना चाहते हैं यहां पर, या फिर कह लो यहां पर एक मिरर इमेज शो करना चाहते हैं, गूगल मिरर सर्च करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा कुछ करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है यहां पर गूगल मिरर सर्च, इस पर क्लिक करना है, एक लिंक ओपन हो जाएगा, यूआई ओपन हो जाएगा यहां पर, और उसके बाद यहां पर आपको जो कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कुछ भी आप यहां पे सर्च करोगे, कुछ भी अगर आप सर्च करते हो तो सारी चीजें यहां पर आपको मिरर फॉर्म में दिखाई देगी, जिस तरह से आपको मिरर में जो चीजें अपोजिट दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है, उस तरह से दोस्तों यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो घंटों यहाँ पर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं और यहाँ पर वो 5-10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, कोई गेम खेलना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए एक ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ पर पैकमैन डूडल गेम। तो यहाँ पर जैसे आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर जो पैकमैन गेम है वो आ जाएगा और यहाँ पर आप इजिली बैठे आराम से इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको इसे बंद करना है तो सिंपली इसे क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए एक फोटो है और यहाँ पर आप एक फोटो से इसके बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं कि फोटो में बंदा कौन है, यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन है सर्च बाय इमेज या फिर कह लो गूगल रिवर्स इमेज सर्च इमेज, इसकी मदद से यहाँ पर आप इजिली यहाँ पर फोटो के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे जाना है, इमेजेस पे जाना है, इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च के आइकन में एक कैमरा का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद इमेज को जिस भी इमेज के बारे में आप जानकारी निकालना चाहते हैं इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद सिंपली यहां पर सर्च कर देना है। तो जैसे आप अपलोड इमेज कर देते हो तो अगर उससे रिलेटेड इंटरनेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन है, उससे जाना पहचाना कोई भी चेहरा, अगर इंटरनेट में कोई फोटो है, प्रोफाइल पब्लिक है, तो वो चीज आपको वहां पर दिखा देगा, जिससे आपको उस इंसान के बारे में या फिर कह लो उस फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फोटो में कौन है,
नेक्स्ट टिप्स, वेल ये जो टिप्स हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, जो यहाँ पर इंटरनेट में ब्लॉगिंग करते हैं या फिर जिनको एसईओ के बारे में जानना है, उनके लिए शायद मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों आपने सभी लोगों ने देखा होगा जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको ऑटो सजेशन ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर आप इस ऑटो सजेशन की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर कीवर्ड ढूंढ सकते हैं और वो कीवर्ड ढूंढ सकते हैं जो लोग एक्चुअल में सर्च करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा आप कुछ भी टाइप करते हो जैसे हाउ टू पर और कुछ भी आपने टॉपिक लिख दिया तो वहां पर गूगल ऑटोमेटिकली वहां पर सजेशन दे देता है, तो इन सजेशन से यहां पर आप आइडिया लगा सकते हो कि लोग इंटरनेट में एक्चुअल में क्या सर्च करते हैं। नेक्स्ट गूगल ट्रिक, अगर आप दोस्तों फ्लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, रोजाना यहाँ पर फ्लाइट लेते रहते हो, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो और यहाँ पर आप इंस्टेंटली फ्लाइट की स्टेटस चेक करना चाहते हो यहाँ पर, तो उसके लिए भैया एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और शॉर्टकट ट्रिक है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर लिखना है फ्लाइट और उसके बाद फ्लाइट का नाम लिखना है, गूगल उस फ्लाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा एक सेकेंड में, तो है ना ये कितना इंटरेस्टिंग और टाइम बचाने वाला ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक, वेल ये एक फन ट्रिक है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे दोस्तों आप गूगल को अंडर वाटर देखना चाहते हैं, जी हाँ पानी के अंदर ले जाना चाहते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे फिश दिखाना चाहते हैं, तो वेल इसके लिए यहाँ पर आप सिंपली गूगल पर जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं यहाँ पर गूगल अंडर वाटर, उसके बाद जो आपको पहला लिंक मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप जो कुछ भी सर्च करेंगे यहाँ पर उसका सिंपली सर्च करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप सर्च करते रहोगे तो उतने ज़्यादा जो फिश है वो ऊपर से आते जाएंगे और गूगल को अंडर वाटर ले जाएगा, तो ये एक फन ट्रिक है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शो करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक हर किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, कई बार दोस्तों आपके बहुत सारे फेवरेट वेबसाइट होते हैं यहाँ पर और आप चाहते हो कि यार उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है वो मुझे शो करके दिखा दे गूगल ताकि मैं और भी वेबसाइट को चेकआउट कर सकूं, तो यहाँ पर इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, आपको सिंपली गूगल पर जाना है, टाइप करना है यहाँ पर आपको रिलेटेड और कॉलन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यूट्यूब जैसी दूसरी वेबसाइट भी देखना चाहते हैं इंटरनेट पर और कितनी वेबसाइट है तो सिंपली रिलेटेड कॉलन youtube.com टाइप करके सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड या फिर यूट्यूब जैसी जितनी भी वेबसाइट है वो आपको गूगल शो करके दिखा देगा। नेक्स्ट ट्रिक, वेल ये भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर कोई भी आपसे कहेगी कि भैया 44 प्लस या फिर 22x7x8x9 क्या होता है, तो ऐसे में आप सिंपल सी बात है आप अपने लैपटॉप में या तो कैलकुलेटर ओपन करोगे या फिर अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करोगे और यहाँ पर उसे कैलकुलेट करोगे या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर गूगल के यहाँ पर सिंपली URL पे या फिर जहाँ पे भी URL टाइप करते हैं वहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्लस करना है माइनस करना है यहाँ पर सिंपली आप इजिली यहाँ पर कर सकते हो और कितने भी बड़े नंबर को यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो माइनस कर सकते हो घटा सकते हो डिवाइड कर सकते हो जो भी वैल्यू है वो पता कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई बार आपके काम भी आता है। वेल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना यार अभी तक इतने सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने आपको बताया तो यार लाइक करो वीडियो को जल्दी से अभी तक लाइक नहीं करा तो। नेक्स्ट ट्रिक, कई बार दोस्तों आपका फोन चोरी हो जाता है खो जाता है या फिर आपके घर में ही फोन पड़ा रहता है और ऐसे में आपको पता नहीं रह पाता कि फोन आपका कहाँ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने फोन की लोकेशन पता कर सकते हो, अपने फोन में जो भी डेटा है उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ पर आप खोए हुए फोन की लास्ट लोकेशन भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। जी हाँ, इसके लिए सिंपली आप गूगल पर जा सकते हो और सर्च कर सकते हो फाइंड माई डिवाइस और यहाँ पर सिंपली आपने जिस लॉगिन आईडी से या फिर कह लो जिस जीमेल आईडी से यहाँ पर आपने अपने फोन में लॉगिन किया था सेम उसी जीमेल आईडी से यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आपके फोन की जो लास्ट लोकेशन है तो यहाँ पर आप अपने फोन में जो भी डेटा है उसके अलावा यहाँ पर फोन में अगर रिंग देना चाहते हो तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर आप सिंपल सा इस वेबसाइट में आके यहाँ पर गूगल में आके ईजिली कर सकते हो, देखा छोटी सी चीज है लेकिन बड़े काम की है। नेक्स्ट ट्रिक, वेल ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और हर किसी को पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पता करना हो कि आने वाला जो दिवाली होगा वो कब होगा, होली कब होगा, नेक्स्ट ईयर यहाँ पे होली कब होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है या फिर दोस्तों अभी यहाँ पर जो मौसम है वो दिल्ली का या फिर मुंबई का या फिर किसी भी कंट्री का वो कैसा है, क्या चल रहा है यहाँ पर मौसम, ये सारी जो चीज़ें आप पता कर सकते हो एक सिंगल क्लिक में, एक सिंगल सर्च में, तो यहाँ पर सिंपली आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो दिवाली 2020 तो आपको गूगल बता देगा कि दिवाली कब होने वाला है इस साल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मौसम पता करना यहाँ पर अभी फिलहाल दिल्ली का जो मौसम है वो कैसा है तो सिंपली यहाँ पर आप दिल्ली वेदर टाइप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, गूगल आपको वेदर के बारे में भी बता देगा। नेक्स्ट टिप्स, अगर यहाँ पर आप इंटरनेट में बहुत ज्यादा आर्टिकल सर्च करते हो, आर्टिकल बहुत ज्यादा पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो यहाँ पर या फिर आप कोई भी किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो लेकिन लेटेस्ट हो यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल पर जाकर कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना, जिस भी टॉपिक के बारे में आप सर्च करना चाहते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक टूल का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप टूल में जाके अपने डेट के हिसाब से मतलब कि एक हफ्ते में अगर कोई भी इस बारे में
पोस्ट लिखा हुआ है या फिर इस महीने अगर किसी ने भी इस टॉपिक पे पोस्ट लिखा हुआ है, आप उन सारे आर्टिकल को गूगल सर्च इंजन में देख सकते हो। नेक्स्ट टिप्स, वेल ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ब्लॉगर है, यूट्यूबर है और यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन यहाँ पर फ्री रॉयल्टी फ्री या फिर कह लो कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पर सिंपली आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, इमेजेस पर जाकर क्लिक कर सकते हो, जिस भी चीज़ के बारे में आपको इमेज चाहिए, फोटो चाहिए जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टूल का ऑप्शन मिलेगा, टूल पर क्लिक कर दीजिए, यूजर राइट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिकली जो गूगल है जितने भी यहाँ पर जो फ्री इमेजेस है जो कि कॉपीराइट फ्री है उन सभी को शो करके दिखा देगा जिन्हें आप अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए या फिर ब्लॉगिंग पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट टिप्स, वेल ये बहुत ही यूजफुल है और आपके हमेशा ये काम आने वाला है। कई बार दोस्तों यहाँ पर हम इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड सुन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड सुन लेते हैं या फिर कोई भी दूसरे चाइनीज भाषा के वर्ड सुन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड सुन लेते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता रहता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको इंस्टेंट ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर आपको ऑफकोर्स किसी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल ये सिंगल क्लिक में दे देता है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाकर सिर्फ टाइप करना है, जैसे किसी भी चीज़ का वर्ड आप मतलब जानना है यहाँ पर आपके सिंपल जाके यहाँ पर इन इंग्लिश या फिर कह लो इन हिंदी आपको टाइप कर देना, वो आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में जिसमें भी आपने सर्च किया आपको मतलब बता देगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई आपको एक वर्ड या फ्रेजेस का यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश में मतलब जानना है या फिर हिंदी में मतलब जानना है कि क्या कहा गया है, आप उसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है उसी वर्ड को और उसके बाद लिख लेना है इन इंग्लिश या फिर इन हिंदी। जैसे कि आपको कैसे हो इसे आपको जानना है इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कैसे हो इन इंग्लिश अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ये बता देगा हाउ आर यू। तो देखा दोस्तों ये कितना इंटरेस्टिंग और यूजफुल टिप्स है या फिर कह लो ट्रिक है। नेक्स्ट टिक, वेल दोस्तों कई बार यहाँ पर आप इंटरनेट पे कुछ भी टॉपिक पे सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको उस टॉपिक के ऊपर उस फाइल फॉर्मेट में या फिर कह लो वर्ड में या फिर कह लो डॉक्यूमेंट में या फिर प्रेजेंटेशन चाहिए होती है या फिर पीडीएफ फाइल फॉर्मेट चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे चाहते हो तो बहुत सिंपल, आपको सिंपली गूगल पर जाना है किसी भी टॉपिक पर, जिस भी टॉपिक पर आप सर्च करना चाहते हो उस टॉपिक पर वहाँ पर सिंपली लिख दीजिए और वहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है यहाँ पर उसके आगे पीडीएफ। जैसे कि आप पीडीएफ फाइल फॉर्मेट चाहते हो तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल टाइप चाहते हो तो सिंपली पीडीएफ सर्च कर दीजिए, तो वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी पोस्ट मिलेंगे वो सारे के सारे पीडीएफ में होंगे। तो ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप MP4 में चाहते हो या फिर कहला MP3 में चाहते हो या फिर कोई भी गाने या फिर मूवीज या फिर वीडियोस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो उस फाइल फॉर्मेट पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप फाइल टाइप लिख के सिंपली सर्च कर सकते हो। है ना कितना इंटरेस्टिंग। वेल है तो दोस्तों ये छोटे छोटे ट्रिक्स या फिर टिप्स लेकिन बहुत ही यूजफुल है, बड़े ही काम के और आपके रोजाना डेली लाइफ में काम भी आ सकते हैं। वेल दोस्तों वीडियो पसंद आए, टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए, बड़े काम की वीडियो रही, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी पता चल सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए और हाँ सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो कर लेना, कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।